students, this is Radhika Gaur again here with the session number 3 of your chapter carbon and its compound. तो अभी हम यहाँ पे session number 3 discuss करने वाले हैं अपने chapter carbon and its compounds का, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं about properties of covalent compounds. जो covalent bonds थे उनका formation कैसे होता था, ये वाली चीज़ हमने session number 2 में discuss कर ली है. बट यहाँ पे द थिंग इज जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो क्या होती हैं, कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है उनकी नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसके बेसिस पे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं हम उनको डिफर कर सकते हैं, या फिर जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की लाइक फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली गैसेस और लिक्विड्स और वोलेटाइल सॉलिड्स. जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं या वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. रिमेंबरिंग दैम कि जो कंडीशंस हो वो ऑर्डिनरी कंडीशंस हो, दैट इज़ ना ज़्यादा हाईली कंडीशंस हो, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर हो और ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर एंड प्रेशर हो. तो नॉर्मल कंडीशंस में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, मोस्टली या तो गैसेस होंगे या लिक्विड्स होंगे या फिर वोलेटाइल सॉलिड्स होंगे. उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके शेयरिंग के थ्रू उनमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. अब जब फॉर्मेशन बॉन्ड्स का शेयरिंग के थ्रू हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो फोर्सेज होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी. जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते थे, यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, उसकी वजह से जो सब्सटेंस थे वो भी हार्ड होते थे. उसका रीज़न था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होते थे, बट यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने की वजह से क्या होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, जो फोर्सेस हैं वो वीक रहती हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं या फिर वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए जो सॉलिड्स हैं उसमें यूरिया, ग्लूकोज, नैप्थलीन, ये क्या हो गए, ये सॉलिड्स हो गए, वॉलेटाइल सॉलिड्स हो गए. ये लिक्विड के केस में वाटर, इथेनॉल एंड बेंजीन, ये तीनों क्या हो गए, जो लिक्विड हैं, लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके एग्जाम्पल हो गए. और गैसेस में आगे हमारा मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अभी सब में ग्लूकोज में C6H12O6, नैप्थलीन में, वाटर में H2O, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा C2H5OH एंड बेंजीन का C6H6. सेम यहाँ पे मीथेन CH4 या क्लोरीन Cl2, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन. इन सब में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और इनके जो नॉर्मली स्टेट होती है वो उसके बेसिस पे हमने जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनको अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जो सॉलिड हैं उसमें एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे यूरिया, ग्लूकोज और नैप्थलीन, लिक्विड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे वाटर, इथेनॉल एंड बेंजीन, वहीं पर जो गैसेज हैं उसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब बात आती है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में तो हमने स्टडी कर ली, बट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट्स वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट होता है. तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों ही लो होते हैं. यस, द कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. This is due to the fact that intermolecular forces in covalent compounds are weaker than those in ionic compound. और एक किस वजह से होता है कि जो intermolecular force होती है covalent compounds में वो weak होती है than ionic compounds. अभी यदि आपको पता हो तो जो intermolecular force of attractions होती हैं वो यदि वो hard होती हैं तो intermolecular space कम होता है. जब intermolecular space कम होता था तो जो सब्सटेंस है उनके बॉन्ड ब्रेक्स करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, इसीलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता था वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होता था. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही हमारी वीक है. अब जब फोर्स ही वीक है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपाउंड्स के बीच में.
जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ज़्यादा हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, एंड द ओनली रीज़न बिहाइंड इज़ दैट दे हैव लो और वी कैन से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर? अब आती है जो सॉल्युबिलिटी होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वो कैसे होती है। अभी हमने पढ़ लिया फिजिकल स्टेट क्या होती है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब बात आती है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एटसेट्रा। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यू नो ना, दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉर्मली जिनमें कार्बन कंटेंट रहता है उन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल रहते हैं। एग्जांपल के ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन में भी सॉल्युबल होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी, दैट इज CCl4 में भी सॉल्युबल रहेंगे, और ईथर में भी वो सॉल्युबल रहेंगे। जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वो, क्योंकि उनके बीच में जो नॉर्मली बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें प्रॉपरली नहीं हो पाती है। दिस इज द रीज़न कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ईथर हो गया, उनमें जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल रहेंगे। तो क्लियर हुआ दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर, व्हाइल दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? बट सम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कुछ ऐसे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं सच एज जैसे HCl हो गया, अमोनिया हो गया एंड एसिटिक एसिड हो गया, रेडिली डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, जो कि रेडिली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। क्लियर हुआ फैक्ट क्या है कि कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे HCl, NH3 एंड CH3COOH, इनके साथ क्या होता है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो HCl की रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ कराई तो OH3+ Cl- नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं पे जब हमने NH3 की रिएक्शन H2 के साथ कराई तो NH4+ OH- नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे यहाँ पे HCl था, NH3 था, ये क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये वाटर में रेडिली डिजॉल्व हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है कि जो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड द रीज़न इज ओनली दैट दे कैन रिएक्ट विद वाटर। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, आइदर इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। ना तो वो सॉल्यूशन में करते हैं और ना ही मोल्टन स्टेट में करते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन। अभी एक बात बताओ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, क्या वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। दिस इज द रीज़न जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, बेशक या तो वो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो या फिर उनकी मोल्टन स्टेट हो, वहाँ पे भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते क्योंकि वो किसी भी आयन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे सॉल्यूशन में। जबकि जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते थे, हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी मेन जो उनकी प्योर स्टेट होती थी उसमें तो कंडक्ट नहीं करते थे, बट जैसे ही हम उन्हें मेल्ट करते थे मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन्स का आयंस का प्रोडक्शन करते थे, जिस वजह से वो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर लेते थे। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन। बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्विंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स सच इज वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ एक्वस सॉल्यूशन होते हैं सब्सटेंसेस के, कौन से सब्सटेंस के, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, दैट इज जैसे वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, एसिटिक एसिड हुआ,
ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? जैसे HCl है प्लस H2O गिव्स OH3 प्लस प्लस Cl नेगेटिव, दैट इज जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं तो OH3 प्लस और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज द रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो क्लियर हुआ दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्विंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स सच एज वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर नोन नॉन पोलर कोवेलेंट्स। अब मैंने आपको बताया अभी इतनी देर से मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बता रही थी, बट द थिंग इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कहाँ पे फॉर्म होता है, उन एटम्स के बीच में जिनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वैल्यू सेम होती है। दैट इज यदि दो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होगी तो उनके बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ओनली अ नॉन पोलर बॉन्ड इज पॉसिबल। यदि दो सेम एलिमेंट्स हैं उनके बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा, ना कि पोलर बॉन्ड होगा। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हो एच बॉन्ड एच, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा। सेम यहाँ पे Cl2 के एग्जाम्पल में भी दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, दोनों सेम एलिमेंट हैं तो इन दोनों के बीच में भी जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। O2 के केस में भी क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों सेम एलिमेंट है तो यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड है इसका भी नेचर नॉन पोलर होगा। सेम यहाँ पे N2 के केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों सेम एलिमेंट है इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका नेचर भी नॉन पोलर होगा। तो क्लियर हुआ नॉन पोलर बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब दो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है। अब ये तो हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अब आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो कब फॉर्म होता है, जब जो एटम्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाए। वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती थी बट इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है वहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो कहाँ पे फॉर्म होंगे, जहाँ पे जो दो एटम्स यूज हुए, जो एटम्स किसके होंगे, एक एटम तो होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉन मेटल और एक होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल, दैट इज दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है उसका डिफरेंस होगा। यहाँ पे HCl के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि H जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और Cl जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव है। सेम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। HCl के केस में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। H2O के बीच में भी यहाँ पे H जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो भी पोलर बॉन्ड होगा। और NH3 के केस में भी क्या होगा, N जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो भी पोलर बॉन्ड होगा। तो क्लियर हुआ नॉन पोलर बॉन्ड कब फॉर्म होता है, सेम एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होता है जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी सेम होती है। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में जो एटम्स होते हैं वो एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉन मेटल होगा और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल होगा, दैट इज उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिमिलर नहीं होगी। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2.6। कोई भी एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2.6। इज इट लाइकली टू फॉर्म अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल और अ ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा या ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इन योर टाइम्स स्टार्ट नाउ, 1 2
3 4 5 Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. It will form a diatomic molecule. ये एक diatomic molecule का formation करेगा. क्यों? क्योंकि जब कोई भी atom जिसकी जो valence shell में 6 electrons available हैं, तो उसको क्या होगा? अपनी octet complete करने के लिए 2 electrons की requirement होगी. और 2 electrons की requirement होगी, that is वो एक और एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा, दैट इज जो 2.6 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? ओ का. तो ओ के साथ शेयर करेगा एक और इलेक्ट्रॉन, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ओ टू का फॉर्मेशन हो जाएगा. और ओ टू क्या हो गया? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने आज पढ़ा अबाउट जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन